लेने का बहुत मन कर रहा था स्पोर्ट बाइक, क्योंकि जो भी मैं पसंद करता हूँ तो वो सलाह बहुत कॉस्टली होता है, फिर कोई भी चीज ले लो, लेकिन जो खुद करके खुद कमा के शौक पूरा करता है ना, तो उसमें जो अंदर से फीलिंग आती है भाई, वो नेक्स्ट लेवल होता है। अब भाई जो स्पोर्ट बाइक का जो है ना साउंड होता है ना, फिर वो खत्म कर देता है भाई। कहीं भी चौराहे मार्केट पे जाके सीधा सा एक्सीलेटर लो, वो तो एकदम आदमी को पागल कर देता है। अट्रैक्शन ना भाई, पब्लिक रिएक्शन खतरनाक रहता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो सुबह का बज रहा है अभी 11:30 और मैं फ्रेश होकर निकल चुका हूँ। बाहर का कुछ इस तरह नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी धूप निकला हुआ है। और अभी हम निकालते हैं इधर से गाड़ी, कार हमारी अंदर खड़ी होती है, यह है कार पार्किंग। तो पहले फटाफट गाड़ी को निकालते हैं, उसके बाद में निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ और आप लोगों से एक बात बोलना था यार, क्योंकि आज के टाइम पे जो भी यंग हैं, ज्यादातर यंग की बात कर रहा हूँ, जो ज्यादा पुराने आदमी हैं उनका तो पसंद नहीं, लेकिन जो यंग है आज के टाइम पे, जितने भी स्टूडेंट है या जो भी है यंगेस्ट, तो उनको बाइक बहुत पसंद होता है। 98% लड़कों को बाइक पसंद होता है और लड़कियों को भी, वो भी स्पोर्ट बाइक। तो मेरा क्या है ना, दिमाग यार लेने का बहुत मन कर रहा था स्पोर्ट बाइक। अब स्पोर्ट बाइक तो सस्ते में आती नहीं भाई, 1-2 लाख की हो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब वो 10-15 लाख के ऊपर ही आती है और उसको लेने का भाई मेरा ड्रीम है। ये ड्रीम मैं सोच रहा हूँ कितना जल्दी पूरा हो जाए, इतना तो बजट है नहीं भाई अपना, ये बजट से ऊपर जा रहा है, क्योंकि मेरा जो शौक है ना, जिस चीज़ को मैं पसंद करता हूँ अक्सर, चाहे फिर वो कोई चीज़ हो, अब इसको आप जो भी समझ लो, ये गंदी आदत है मेरी, खैर मैं अपने आप को कह रहा हूँ ये गंदी आदत है, क्योंकि जो भी मैं पसंद करता हूँ तो वो सलाह बहुत कॉस्टली होता है, फिर कोई भी चीज ले लो अक्सर, तो ये चीज मेरी ना गलती है खैर, क्योंकि मुझे उसी हिसाब से कोई भी चीज चॉइस करना चाहिए जितना बजट हो आमदनी के हिसाब से, लेकिन फिर भी कोशिश है, ड्रीम है, बाकी देखते हैं आगे। अगर बजट हुआ, ऊपर वालों ने चाहा, तो कोई बड़ी बात नहीं। क्या बोलते भाई, आप लोगों ने सपोर्ट किया तो, क्योंकि जिनके पास है वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, वो इंसान के लिए ही बना है बाइक, बस फर्क ये है कुछ लोगों के पास रहता है, बाप दादाओं ने बना के रखा है, अब कुछ लोग करके कमा के लाते हैं, लेकिन जो खुद करके खुद कमा के शौक पूरा करता है ना, तो उसमें जो अंदर से फीलिंग आती है भाई, वो नेक्स्ट लेवल होता है। और जो बाप दादाओं के दम पे रहते हैं, उनके प्रॉपर्टी पे शौक करते हैं, उनमें वो इतना ज्यादा अंदर से जो मजा आता है ना भाई, वो फीलिंग कभी नहीं आएगा। इस चीज को हमेशा नोट रखना, आप लोगों को भी पता होगा। कहते हैं अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप अगर गरीब मर जाओ तो पूरी की पूरी आपकी की गलती है। तो कोशिश है भाई, बाकी आप लोग का दुआ सपोर्ट चाहिए, बाकी अल्लाह का करम होगा तो आएगी। क्योंकि भाई ब्लॉगिंग करने में ना, जब भी कहीं निकलो किसी टूर पे, तो फिर मोटो ब्लॉगिंग के लिए मजा आ जाता है। अब भाई जो स्पोर्ट बाइक का जो है ना साउंड होता है ना, फिर वो खत्म कर देता है भाई। कहीं भी चौराहे मार्केट पे जाके सीधा सा एक्सीलेटर लो, वो तो एकदम आदमी को पागल कर देता है। अट्रैक्शन ना भाई, पब्लिक रिएक्शन खतरनाक रहता है। तो वही लाने का भाई प्लानिंग है, बट बजट नहीं है, जो है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इतना बजट नहीं है भाई, बाकी देखते हैं, यही है जिंदगी, कुछ पूरा होगा और कुछ अधूरा रहेगा। सब पूरा हो जाएगा तो फिर फर्क कहाँ महसूस कर पाओगे आप, है ना भाई।
में फिर मिलते हैं। हाँ गाइस बने रहिएगा। तो गाइस अभी मैं बात कर रहा था बाइक की, और जैसे कैमरा ऑफ किया, मोबाइल रखा ही, जैसे पीछे से एक बाइक वाला आया ना भाई, अपाची था वो, नई वाली जो अपाची है ना, ब्लैक और सिल्वर कलर की, वो बाइक उसके पास थी। इतना स्पीड ने भाई, इतना स्पीड से मेरी गाड़ी के बगल से निकाला है गाड़ी ना, ये क्या बताऊं। और जैसे आगे हुआ ना, तो यूं करके ऐसा मतलब कट मार रहा है। फोर व्हीलर को बाइक से कट मारना चाहिए, अगर गलती से थोड़ा सा भी लग जाएगा बाइक में तो बाइक गिर जाएगी 100%, फिर रोक नहीं सकता है। अब उसकी क्या यार सोच समझ में नहीं आता है, है? और थोड़ा सा बच गया, बहुत कम बचा है भाई। वो ऐसा कट मारा ना, तो थोड़ा सा ज्यादा मतलब ऐसा बाइक हो गई, लेट गई ज्यादा थोड़ा सा। तो उसने ये सोचा कि अब गया गाड़ी, उसको ऐसा लगा अब बाइक गया। तो उतने में तो बाइक तो जा रही थी सीधी, लेकिन उसने अपने आप को ऐसा ऐसा क्या संभाल नहीं पाया। तो अब किसी हिसाब से मतलब बच गया वो, मैं देखते ही रह गया यार भाई। अगर कैमरा ऑन रहता तो आप लोग देखते सीन कैसा था। मतलब तो कभी कभी इंसान दिखाने लगता है ना भाई, ओवर स्मार्ट बनने लगते बहुत सारे लोग, तो गलत है भाई। कभी कभी क्या है ना, उल्टा थोड़ा सा ओवर और हो जाता है तो उसका रिएक्शन खुद बहुत खतरनाक हो जाता है, वो खुद के ऊपर आता है। अभी समझ लो बच गया, खुदा ना खास्ता, थोड़ा सा अगर और हो जाता ना तो फिर क्या होता। गाड़ी थी क्योंकि हमें लगता है 100+, क्योंकि मैं गाड़ी सिलो चला रहा था, वीडियो बना रहा था, आप लोगों से बात कर रहा था। तो गाड़ी सिलो था मेरा, बहुत स्पीड में निकाला, और निकालता ही सीधा निकल जाता तो चलो ठीक है कि भाई स्पीड में जा रहा है बंदा, वो यूं करके फोर व्हीलर को कट मार के भाई। यार भाई रिक्वेस्ट है प्लीज यार, ऐसा मत करो भाई। बाइक एक्सीडेंट आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा होता है आज के टाइम पे, कितने सारे लोग बाइक से अपनी जान गंवा बैठते हैं। बाइक का शौक मैं भी रखता हूँ भाई, अभी बाइक की ही बात कर रहा था। सिलो चलाओ यार, सिलो चलाओगे ज्यादा अच्छा है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को करता हूँ यहीं पर एंड। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ।